वेलकम फ्रेंड्स, जैन इलेक्ट्रॉनिक क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कुशल होंगे। मैं भाई कुमार फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बहुत नए बच्चे दिख रहे हैं तो उन सभी का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस जैन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कुछ जरूरी बात हो जाए, क्योंकि कुछ नए अभ्यर्थी भी हैं तो उनको बता दूँ कि अभी तक आप लोगों ने जैन ग्राइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाकर जैन ग्राइस टाइप करना है, उसके बाद लोगो देखिए, अगर लोगों में ध्येय वाक्य ध्यान से देखिएगा, चयन तक चयन है, उसके बाद उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल लोगो है। उसके बाद आप लगे हाथ क्या करना है आपको कि बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप छोटी 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 मोटी इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो उसको पर्सनलाइज कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी हम सूचना भी दे तो आप तक जल्दी पहुँचे। कभी कभी आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो आप नोटिफिकेशन के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो ये काम जरूर कीजिएगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ, अभी मित्र जो है या वैसे विद्यार्थी या वैसे आपके आसपास के रहने वाले बच्चे जिनको एनसीईआरटी क्लासेस करनी है, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या वनडे कम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करनी है, तो उनको जरूर बताइएगा चैन ग्राइस के बारे में। और इसका लिंक उसके साथ आप जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे टीम का हिस्सा हो सके। दोस्तों, ये काम आपको याद से करना है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये काम आप जरूर कर देंगे और पूरे भरोसा के साथ मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में अभी हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 8 तक तो हमने कवर कर लिया है। क्लास 9 तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसका जो किताब जो बुक है उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। उसमें अभी तक हमने 3 चैप्टर सक्सेसफुली हमने कर लिया है, और 4 चैप्टर, सॉरी, 4 चैप्टर हमने कर लिया है। और आज हम अध्याय पाठ करने वाले, जिसका शीर्षक आपके सामने है, आदमी के विश्व में चरवाहे। आज हम इसकी बात करेंगे कि विश्व में आदमी के इसमें चरवाहे जो है उनकी बात करेंगे, उनके समुदाय की बात करेंगे, उनके जीवन शैली की बात करेंगे, उनकी आर्थिक क्रियाकलापें क्या है उनकी बात करेंगे, उनके सामाजिक जीवन क्या है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले जो नए बच्चे हैं जिनके मन में ये बार बार उत्सुकता बस वो पूछना चाह रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, तो उनको बता दूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे पहले के वीडियोज आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से ही कंटिन्यू कीजिए, बाकी जो वीडियोज है एक समय निकाल के अपनी सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं। आप चैन ग्राइस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी का एक सेक्शन है, उस सेक्शन में जाकर इस पूरी वीडियो जो है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 को आप कवर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, क्लास 9 का जो आपका 4 अध्याय छूटा हुआ है वो आप भी इसमें आप कवर कर लीजिएगा, साथ ही कर लीजिएगा। अभी तत्काल आप जो है नया टॉपिक है अध्याय 5 हम पढ़ रहे हैं, तो इसी हिसाब से कंटिन्यू रहिए और इसको कीजिए बिना अपने मन मस्तिष्क में ये सवाल उत्पन्न किए हुए कि हमने पिछले क्लासेस हमने कवर नहीं किए तो हम यहाँ क्लास कंटिन्यू हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब से जाओ तभी सवेरा, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए, फिर चक्रीय रूप में जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप फिर आप आपके पास वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होती होंगी आपको वीडियो देखने के बाद, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैंने उसमें कवर किया है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मेल जरूर कीजिएगा, चैनल टीम को सूचना जरूर दीजिएगा कि आपको कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या पढ़ने में कोई दिक्कत है या नॉलेज गैप है, आपको कहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए वो मैं जरूर हम लोग मदद करेंगे आपकी, और आपका ये जो सवाल है आपके मन मस्तिष्क में उसको हम उसका समाधान हम करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए परेशानी होना है, आप यहाँ से शुरू कीजिए। अभी आपको बता दूँ आप लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए खासकर, कि अभी हम लोग क्लास 9 कवर कर रहे हैं और जो हम बुक पढ़ रहे हैं भारत और समकालीन विश्व पढ़ रहे हैं, उसमें अध्याय 5 हम अभी आज कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। देखिए, इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, आदमी के विश्व में चरवाहे। तो हम चरवाहे समाज की बात करेंगे और चरवाहे में खासकर आधुनिक विश्व, मतलब हम उसमें भारत के साथ साथ अन्य यूरोपीय, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकी महादेश, दक्षिण अमेरिकी महादेश, जहाँ भी है ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पे जो चरवाहा समुदाय हैं उनकी जीवन शैली के बारे में पढ़ने वाले, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, ये अपने जानवरों के साथ चरवाहा समुदाय है और देखिए यहाँ पर एक फिगर के साथ इसकी शुरुआत की गई है, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए, पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चढ़ती भेड़ है, ठीक है? भेड़ जो है, भेड़, अब भेड़ का जो है आर्थिक उपयोग क्या है वो बताइए, आर्थिक महत्व क्या है कमेंट कर बताइए, और ये बताइए कि भेड़ की उपयोगिता आप दैनिक जीवन में क्या देखते हैं क्या, ठीक है? यहाँ देखिए, बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। जाड़ों में यह बर्फ से ढके रहते हैं, अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी जाती है। मानसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। मतलब बुग्याल जो है वो एक टर्म है, इसके बारे में ये बताया गया है कि ऊंचे पहाड़, खासकर 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर जो भी
प्राकृतिक चारागाह है, उसको बुगैल कहता है। बर्फबारी के कारण ये ढका रहता है, लेकिन जैसे ही बर्फ जो गर्मी पड़ती है, बर्फ पिघलता है, तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से इन घासों को देखा सकता है। और इन घासों में जो है चरवाहे जो है अपने पशुओं को चारा ले जाते हैं। उसकी चर्चा उसकी उस, उसके उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये 12,000 फुट की ऊंचाई पर चरवाहा जो है वहाँ पर अपना जीवन कैसे व्यतीत करते होंगे। क्या वहाँ वो कुछ दिनों तक तो रुक के उन चरागाहों में अपना जीव जो है चरागाह जब तक समाप्त ना हो जाए, हरा चारा जब तक समाप्त नहीं हो जाए तब तक वहाँ पर रुकेंगे, या फिर वो बार बार शाम ढलते ही अपने घर पे वापस आ जाते हैं, फिर वो सुबह आ जाते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि उतनी ऊंचाई पर ये लोग जो है दैनिक जीवन में रेगुलर जाते होंगे, प्रतिदिन प्रतिदिन जाते होंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहा के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू का अर्थ है जो घूम कर जो एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, इनका निवास अस्थायी होता है। समय समय पर मौसम के हिसाब से जहाँ जहाँ उनको चारागाहों की उपलब्धता होती है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो प्रवास करते हैं, वहाँ कुछ देर रुकते हैं। जैसे ही चारागाह समाप्त हुआ वहाँ से वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हीं को हम घुमंतू लोग कहते हैं। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देखिए बात लगभग वही है, संक्षिप्त शब्दों में यहाँ पर बता दिया गया आपको। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, उनको रेवड़ भी कहा जाता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनका आमदनी उनकी आमदनी के साधन क्या है और उनका अतीत क्या था? देखिए ये सवाल, इतने सवाल आपसे पूछे गए हैं और इन्हीं सवालों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो है महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ होंगी उनको भी राइट डाउन करते जाइएगा, कि डायरी और पेन के साथ हमेशा बैठिए, मैं बार बार कहता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी आप राइट डाउन करते जाइए, तभी ताकि कभी आपको जरूरत पड़े या कभी आप कंफ्यूज करते हैं तो डायरी के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। अन्य तो स्रोत जो है उससे उस पर डिपेंडेंसी आपको आपकी डिपेंडेंसी 9 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार एक जगह एक ही स्रोत से आप बार बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर बेहतर होगा आपके लिए, बशर्ते कि आप बहुत सारे माध्यमों में बहुत सारे बुक्स को फॉलो करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है कभी क्लियर नहीं होने वाला है। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक शिक्षक के नाते और एक दोस्त के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि एक ही सोर्स को बार बार पढ़िए, एक ही बुक को आप सोर्स मानिए और उसको बार बार पढ़िएगा, तो आपके ज्ञान चक्षु और ज़्यादा खुलेंगे। आप ज़्यादा जब जब पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके हैं क्लियर होते चले जाएंगे, इसलिए मैं आपके आपको ये बात बताता हूँ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंसी आपकी रहनी चाहिए, बारम्बार अन्यतर सोर्सों हाँ सोर्स का इस्तेमाल कीजिए। किसी फैक्ट संबंधित कोई अगर समस्या है तो उसके लिए आप किसी अन्य सोर्स पर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये इच्छा मत रखिए कि मैं एक बुक के करूँ, मैं 7-8 बुक पढ़ता है। तो एक आप एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप कोई भी स्पेसिफिक बुक उठाइए और उस पर आप उसका अध्ययन आप कीजिए, समग्रता से उसका अध्ययन कीजिए और फिर बताइए कि आप आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। वैसे हम स्पेसिफिक बुक के सीरीज यहाँ पर जरूर शुरू करेंगे और आपको उससे होगा जरूर हम कराएंगे, ठीक है। चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, वैसे उनका दौर बीत चुका हो। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में चरवाहों को एक बहुत ही सम्माननीय जो है जगह प्रदान किया गया, क्योंकि चरवाहा लोगों का जो जीवन होता है उनके बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम वो भी एक समाज का एक हिस्सा है, उनके बारे में हम अज्ञात नहीं रह सकते। हम जानते जरूर हैं, लेकिन उनके बारे में रिसर्च की बात की गई थी कि आखिर हम शिल्पियों के बारे में पढ़ते हैं, कारीगरों के बारे में पढ़ते हैं, किसी राजा के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की नॉलेज रखते हैं, कृषि और कृषिगत अन्य उद्योगों की हम बात करते हैं, लेकिन तो क्या चरवाहे जो है चरवाहे की संस्कृतियों के बारे में, चरवाहों के जीवन शैली के बारे में, चरवाहों के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में हमें जानकारी लिखनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसी समाज के अंग है और उनका भी एक इतिहास रहा है, सभी इतिहास रहा है। तो यहाँ एनसीईआरटी जो है चरवाहों के बारे में आपको परिचय कराने वाली है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चरवाहों को जो अभी तक आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो चरवाहा समझ के सोचे इनके बारे में क्या जानना है, ऐसा कुछ नहीं है, घुमंतू लोग होते होंगे, भेड़ बकरियाँ चराते होंगे, दूध बेचते होंगे, या मवेशी मवेशी से उत्पाद जो है ऊन इत्यादि है, कुछ न कुछ व्यापार व्यवसाय करते होंगे, अपने जीवन जीते होंगे, उनके बारे में बस यही विचारधारा या विचार उनके मन मस्तिष्क में अभी तक होगा। लेकिन चरवाहों का इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है। क्या चरवाहों का योगदान
है तो बिल्कुल है। व्यापार वाणिज्य को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में, नई नई वस्तुओं को परिचित कराने में इन चरवाहों का योगदान बहुत ज़्यादा है। नए नए सामाजिक संस्कृतियों का मेल होने में, कुछ नई संस्कृतियों के उदय में और कुछ संस्कृतियों कुछ नए नए उपागमों के जानकारी में इनकी बहुत इन्होंने हमारी मदद की है। इसलिए हम चरवाहों का इतिहास पढ़ते हैं और चरवाहों के इतिहास को हमने एनसीईआरटी में जगह दी है। ठीक है, इस अध्याय में हम क्या पढ़ने पढ़ने वाले हैं देखेंगे। भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व, इसके बारे में जानेंगे। आप यहाँ जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला, जब वन आपको बताया था पिछले अध्याय में कि वन कानून के द्वारा चरवाहों को भी नियंत्रित किया जाने लगा, उनको बोला जाने लगा कि आप इन क्षेत्रों में चरागाह जो है इन क्षेत्रों का चरागाह इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, इन वनों में आप नहीं जा सकते, इन उत्पादों का आप नहीं इसका आप उपभोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे कि जब नियम बनाए जाने लगे तो चरवाहा समाज जो है उन पर भी गहरा आर्थिक संकट आता है, गहरी आर्थिक संकट उनके लिए भी आती है। तो उनके बारे में हम बात यहाँ करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया। समझिए कि जिनका जीवन शैली घुमंतू जीवन है जिनका, और उन पर जब कानून के दायरे में उनको थोप दिया जाएगा, जब उनको उनके लिए अस्थायित्व की बात की जाएगी, उनको जबरन जो है समाज का हिस्सा बनाया जाने लगेगा, तो उन पर उपनिवेशवाद का असर कितना पड़ेगा, उनके सामाजिक रीति रिवाजों पर क्या असर पड़ने वाला है, वो समाज से हमारे समाज में घुल मिल के कैसे उन्होंने जीना सीखा होगा और किस प्रकार की जीवन प्रणाली उनकी रही होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों को की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं भारत के बारे में, और भारत के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ के जो भी चरवाहे हैं उनका जीवन क्या है और उनकी आर्थिक जो है क्रियाविधि क्रियाकलापें क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही, आवाजाही का अर्थ है कि आवागमन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब वो भटकते हैं चरागाह की तलाश में, इसी क्रम में वो क्या करेंगे स्थानीय उत्पादों को वहाँ पर वो खरीदते हैं और जो उनके पास उत्पाद होता है उत्पादों को उन क्षेत्रों में बेचते हैं। तो इस प्रकार उनकी जीवन शैली जो है एक दूसरे के परस्पर आदान प्रदान से यहाँ देखेंगे कि इनकी शुरुआत इनकी जीवन जो है प्रक्रिया वो चलती रहती है। यहाँ देखिए पहाड़ों में, पहाड़ों के बारे में बात करेंगे, पहाड़ों में इनका जीवन कैसा है। जम्मू एंड कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवा रखते हैं। अब गुज्जर बकरवाल समुदाय के बारे में आप जानते होंगे, आप इससे परिचित होंगे कि गुज्जर बकरवाल समुदाय, एक तो प्रश्न आपके लिए भी बन गया, ये समुदाय कहाँ निवास करती है, तो ये समुदाय जम्मू एंड कश्मीर निवास करती है। ठीक है, इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए। मतलब आप देखिए कि ये पश्चिम एशिया से, यहाँ ये बोले कि उत्तर पश्चिम एशिया से वो भटकते भटकते चरागाह की तलाश में इधर आए और बाद में देखा कि यहाँ पर समृद्ध रूप से चरागाह उपलब्ध है, तो यहीं पर ये बस गए, यहीं पर बस गए, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते हैं। अब शिवालिक पहाड़ी आप जानते होंगे, हिमालय, हिमाचल और शिवालिक के बारे में आप बिल्कुल जान रहे होंगे, क्योंकि तो आपने ज्योग्राफी जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर प्राकृतिक जो है रूप से तीन स्तर की बात की जाएगी। तो हिमालय के बारे में आप जानते होंगे, अगर हिमालय आपने नहीं पढ़ा, हिमालय को आप माइंड मैप में खोल लीजिए, देखिए कि हिमालय का जो तीन श्रेणी है तो सबसे निचली श्रेणी जो शिवालिक रेंज है, वहाँ पर जब बर्फबारी पड़ती है ऊंचे पहाड़ों में तो क्या करेंगे वो शिवालिक श्रेणी रेंज में आके वहाँ पर निवास बना लेते हैं अपना। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियों ही उनके जीव उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती है। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। और इसी हरियाली अब हरियाली छा जाती तो इनका क्या लाभ है, क्योंकि चारागाह के लिए वहाँ हरी चारागाह जो है, हरे बड़े बड़े मैदान जो है वो खिले हुए रहते हैं, वहाँ पर चारा उपलब्ध है। तो ये क्या करेंगे वो फिर उन वहाँ पहाड़ों पर वो चढ़ने, उत्तर दिशा का अर्थ पहाड़ी दिशा में जा रहे हैं। आप जानते होंगे, आपने मैप देखा होगा कि मैप हम हमेशा जानते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, हम इसकी चर्चा कर देंगे। नॉर्थ यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम, से नॉर्थ की तरफ बात की जा रही है। मतलब आप अगर भारत का मैप बनाया तो आप जानते हैं कि उत्तर दिशा में यहाँ पर हिमालय रेंज की बात यहाँ की जा रही है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था, उन्हें सेहतमंद खुराक मिल जाती थी। सेहतमंद का अर्थ है कि बहुत प्रकार के रिच जो है वहाँ पर आप देखेंगे फॉस्टर है, वहाँ पर उनको प्राप्त हो जा रहा है फॉडर। मतलब आप जानते हैं फॉडर के बारे में कि वो जो है विभिन्न किस्म के जब घास मिलेंगे तो उनसे उनको लाभ भी होगा और दूध भी अच्छी दे पाएंगे, उनकी सेहत भी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बुढ़िया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जारों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते, क्योंकि
जब वो सर्दी की शुरुआत होगी तो फिर वे अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। मतलब ये जो है प्रक्रिया जो है लगातार आप देखेंगे, ये प्रक्रिया यहाँ पर लगातार आपको दोहराई जा रही है। और ये कारण है कि इन्होंने मौसम पर पकड़ स्थापित कर ली, इनको पता है कि कब तक यहाँ रुकना है, कब उनको नीचे शिवालिक रेंज में चले जाना है। ठीक है, पास के ही पहाड़ों में चारागाहों का एक और समुदाय रहता था, हिमाचल प्रदेश के समुदाय को गद्दी कहते हैं। आप देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि हिमाचल प्रदेश का जो चरवाहा है उनको गद्दी कहा जाता है। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जरा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियाँ लाहौल स्पीति में बिता। लाहौल स्पीति घाटी के बारे में आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में है। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। यहाँ भी इनको सितंबर तक वापस लौटना है, क्योंकि सितंबर से ही सर्दियों की शुरुआत हो जाने शुरू हो जाती है। वापसी में वे लाहौल स्पीति, अब लाहौल के बाद लाहौल घाटी की बात आपने आपने सुनी होगी, मैं इस फिगर को आपको फिर से दिखाऊंगा जब वो पढ़ूंगा वहाँ पर। और स्पीति के गाँव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इसी बीच वे गर्मियों की फसल काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जारो वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियाँ लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लगातार जो है ये क्रम चलता रहता है और सालों भर इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चले। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों जिसको बुग्याल है की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए जो सर्दियों में जो सूखे जंगल है उनको कहा जाता है भावर, और जो गर्मियों में जो घास सूखते हैं उनको कहा जाता है बुग्याल। अब भावर क्या है? गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से में आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका बुग्याल का है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। तो इसको यहीं पर हमने नए शब्द जो है उनको हमने क्लियर कर लिया, जिससे आपको अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो है उत्तराखंड में यहाँ गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं, यहाँ कुमाई हिमालय की बात की जा रही है, गढ़वाल हिमालय की बात की जा रही है, तो यहाँ के लोग जो है वह कैसे जीवन व्यतीत करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। वे ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरगाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। अब देखिए इनका भी एक अलग अलग ग्रुप होता है और इन चरवाहों का जो ग्रुप है वो अपने हिसाब से जो है अपनी जीवन शैली व्यतीत करते हैं। जब एक चरागाह की हरियाली खत्म हो जाती या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो किसी और चरागाह की तरफ चल जाते थे। इस आवाजाही से चरागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उन्हें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। मतलब पूर्ण संपूर्ण देखिए तो एक प्राकृतिक जो है नियम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से चरागाह अगर नष्ट हो जाएंगे तो फिर वहाँ घास नहीं उगेगी। तो ये जैसे ही हल्का उनका उनका उपयोग हो जाता था तो फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते थे और जब तक ये वापस लौटते थे तब फिर वो एरिया जो है हरा भरा हो जाता था। तो ये इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। अब थोड़ा हम बॉक्स की बात की जाए, क्योंकि बॉक्स हमने छोड़ दी थी। अब बॉक्स में क्या है इसको भी, यानी अब बॉक्स में इनके बारे में, इनके आर्थिक स्रोत के बारे में बताया गया है। तो देखिए 1850 के दशक में जीसी बोन्स ने कांगड़ा के गुजरों का वर्णन इस प्रकार किया था। अब कांगड़े के गुजरों के बीच उन्होंने समय व्यतीत किया होगा और उनके जीवन से लिखवा उन्होंने यहाँ पर हमसे चर्चा की है। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग 9 के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियाँ होती हैं तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध, घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीज़ें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच वे जंगल में अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरिया और कंधे पर हांडियाँ लटका कर रोज बाजार जाती है। उनकी हांडियों में, मतलब जो आप हांडी देखेंगे आप जानते होंगे मटका जिसको बोलते हैं, उसको हांडी यहाँ बोला जा रहा है, दूध, मक्खन और घी आदि होता है। वे सिर्फ इतनी चीज़ें ही बाजार में ले जाती हैं जितनी घर चलाने के लिए काफ़ी हो। मतलब यहाँ देखिए आप जीवन शैली में सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीज़ें जो है उतना ही बेच पाती है जिनसे उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। यहाँ लोभ लालच की बात नहीं की जा रही है। गड़ियों में गुजर अपना रेवर को लेकर पड़ा है ऊपरी इलाकों में चल जाते हैं। वहाँ जहाँ उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती है
और वे शीतोष्ण न ज्यादा ठंड और न ज्यादा गर्म मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है, बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदानों में उनका जीवन मुहाल किए रहते हैं। मतलब एक तरह से देखे तो जानवरों की सुरक्षा के लिए भी ये ऊपर जाते हैं वहाँ। एक दो तीन लाभ इनको, एक तो नई नई प्रकार के घास जो है जो औषधि के रूप में मवेशियों को फायदा करता है वहाँ उनको प्राप्त होता है, दूसरा मैदानी भागों में जो मक्खियाँ हैं उनसे, जिसको डस्ट कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, डस्ट की अपनी चर्चा जरूर सुनी होगी, उनसे भी इनकी सुरक्षा हो जाती है। और वहाँ पर जो है एक ऐसा मौसम मिलता है अनुकूल मौसम को प्राप्त होता है जहाँ आसानी से रहा जा सकता है, समशीतोष्ण, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा। तो ऐसे मौसम जो है सबको रहने लायक, आरामदायक, जीवन लायक बहुत ही जरूरी है, इसलिए ऐसा है ऐसे ये क्या करते हैं इस प्रकार के कार्य करते हैं। अब जीसी यहाँ बॉन्स ने स्टेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा 1850-55 में यह विस्तृत वर्णन लिख किया है। मतलब उस समय इन्होंने चरवाहों के बीच अपना जीवन व्यतीत किया हुआ। यहाँ देखिए चरवाहों का एक घर है, चित्र दो को देखिए, मध्य गढ़वाल्स के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप, यहाँ गुज्जर जो है समुदाय रहने के लिए अपने मंडप बनाए हुए हैं। गुज्जर गढ़िये बुग्याल से मिलने वाले रिंगल एक तरह की पहाड़ी बांस और घास से बने मंडपों में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल के सालों में वे बसों और ट्रकों में भरकर भी दूध ले जाने लगे हैं। ये मंडप 10,000 से 1,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंस से इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती, और इसलिए वहाँ पर क्या करेंगे अपनी आर्थिक क्रियाकलाप, जो दूध दुहेंगे उसमें जो दूध से है, जो मक्खन निकालने का काम, घी निकालने का काम यहाँ पर ये गुज्जर समुदाय इस यहाँ पर करते हैं, और बाद में इन्हीं उत्पादों को महिलाएं जो है मार्केट में जाके बेचती हैं, अपनी अपना जीवन यापन ये कर रही हैं। फिर हम आगे देखेंगे एक फिगर, देखिए किस प्रकार जानवर जो है आराम कर रहे हैं खाने के बाद, और यहाँ जो है ये समुदाय चराने जो लोग हैं वो बैठ के कुछ ना कुछ अपने आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, झुंड बना के हर रहे हैं। फिगर को देखिए, ऊन उतरने का इंतजार हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास ऊहल घाटी है। ऊहल घाटी में देखिए जो है भेड़ जो है वो जो है इनका ऊन यहाँ उतारा जाएगा, और इन ऊन ऊन ऊनों को क्या किया जाएगा स्थानीय मार्केट बेचा जाएगा। हम जो सर्दी के ऋतु में जो हम स्वेटर पहनते हैं तो कहीं ना कहीं उनका निर्माण इन्हीं ऊनों द्वारा होता है, और एक समय होता है जब ये ऊन जो है गर्मी के समय शायद ये ऊन उतार देते हैं और ठंडा हुआ रहने दिया जाता है ताकि जानवरों की सुरक्षा उनसे हो पाए। ठीक है, अब हम यहाँ हमने इसको कवर कर लिया है। एक फिगर आपको मैंने ये दिखाई दिया है, गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। देखिए यहाँ पर भेड़ जो है इसको बताया कि ये ऊन का यहाँ ऊन उतार रहे हैं। सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदान धार से नीचे आने लगते हैं और रास्ते में कुछ समय रुक कर अपनी भेड़ों की ऊन उतारते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुला कर साफ किया जाता है ताकि ऊन की क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी हो जाए, दूसरा है कि ऊन जो है मुलायम हो जाए, इसलिए ऐसा ये काम करते हैं। आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों। अभी तक हमने सिर्फ पहाड़ों की बात की है, पहाड़ों के बारे में पढ़ा है, अब हम पठारों की बात कर रहे हैं। पठार में जो भी यहाँ पर घुमंतू जो यहाँ समाज है, यहाँ पर चरवाहा समाज, उनकी हम बात करेंगे। मैदानों में जो समाज है उनकी बात करने वाले हैं, और रेगिस्तानी इलाके में जो समाज है उनकी बात करेंगे। इनमें इनमें पशुओं किन पशुओं को चुना जाता है इसकी बात भी हम करेंगे। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न आपके लिए रहा कि धनगर समुदाय जो है, धनगर चरवाहा किस कहाँ कहाँ का समुदाय है, कहाँ का है, कहाँ निवास करता है, तो अब जानना आपको बताना है महाराष्ट्र। तो मैंने अभी तक बताया था गुज्जर बकरवाल के बारे में बताया आपको, आपको और भी किन किन यहाँ पर चरवाहों के बारे में बताया गया आप बताइए। तो आप कमेंट कर, आप एक काम करिएगा, एक बॉक्स बना के आप आपकी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि गद्दी समुदाय कहाँ निवास करती है, गुज्जर समुदाय कहाँ निवास करता है, धनगर समुदाय का निवास स्थान कहाँ है, इनके बारे में बात कीजिएगा। इन चरवाहा समुदाय के बारे में आपको एक घाका खींच लेना चाहिए, ठीक है, ये काम जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। इनमें से ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर गड़िए या चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर ही बनाते थे, जबकि कुछ भैंसे पालते थे, भैंस मतलब दूध के लिए पालेंगे। धनगर गड़रिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। कहने का अर्थ है कि ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी नहीं है, अर्ध शुष्क की बात हम केयर कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था, क्योंकि बाजरा जो है इन्हीं मौसमों में इन्हीं मिट्टी में उगाया जाता है। मानसून में यह पट्टी धंगड़ों के जानवरों के लिए विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अब कोंकण कहाँ, ये कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छी बारिश, उपजाऊ मिट्टी के बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धनगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों की रबी फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। अब ये मदद क्यों करेंगे, देखिए एक तरफ से एक दूसरे के जीवन
तो ये बहुत ज़्यादा स्तर पर प्रभावित करते हैं, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये जो गडरिये लोग हैं यहाँ पर झंगड़ समुदाय है, तो कोंकण तट पर जाता है, तो कोंकण के जो लोग हैं उस वक्त धान यहाँ पर जो है काट चुके होते हैं, खड़ी फसल काट चुके होते हैं, और ये रबी फसल को बोना होता है। तो ये चरवाहा जब यहाँ पर जाएंगे, तो ये जो खूंट जो बड़ा होता है, जो यहाँ पर धान का जो खूंट है, जो काटने के बाद जो बचता है खेत, जो आप देखते हैं कि खेत में जो जो बच जाता है, उनको ये चरवाहे जो जानवर है वो चढ़ जाते हैं और खेतों को एक तरह से ही साफ कर देते हैं। इस प्रकार वहाँ जो कुछ दिन रुकते हैं, तो उसका गोबर जो है यहाँ पर आप देखेंगे खादर का काम करेगा, और फिर इनके द्वारा जो जो घी या जो भी चीज़ें उत्पाद किए जाते हैं उनको भी ये उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों का काम यहाँ पर चल जाता है। अब देखिए इसके बारे में जरूर बात की जाएगी। धंगड़ों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रही गई ठूंठों, मैंने इसकी बात की थी, वो खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगड़ों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। आपको बताया था कि वहाँ पर बाजरा की खेती ज़्यादा होती थी। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर, कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि घेरे गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उनकी मृत्यु जाती थी। क्या करेंगे, वो सूखे मौसम की तरह यहाँ पर वो है अपने क्षेत्र की तरफ लौट आएंगे। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े हैं। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़ेरियों का ही बसेरा रहता था, इसकी बात भी हमने की थी। अब हम पठारों में यही सब पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक नया समुदाय मिलता है, गोल्ला समुदाय। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुर्मा और कुर्बा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधा भी करते थे, मतलब दो काम कर रहे हैं, एक तो जानवरों को भी यहाँ पर पाल रहे हैं, दूसरा जो है अन एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनसे इनकी आर्थिक क्रियाकलाप चलती रहती, जीवन चलता रहे। पहाड़ी चरागाह के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे, मतलब ये जब बारिश हुआ तभी वहाँ से बदलेंगे, जब मौसम शुष्क है तब वहाँ से फिर वो हटेंगे। ये यहाँ पर यहाँ देखेंगे अन्य जो समुदाय है, पहाड़ी जो लोग हैं वो गर्मी और यहाँ सर्दी और बरसात का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शुष्क और जो है बरसात मौसम का ध्यान रखा जाता है। सूखे महीने में तटीय इलाके की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात होने पर वो वापस चल जाते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पहाड़ी इलाकों में ले जाना जरूरी होता था। मतलब देखिए कि जानवर जो भी मवेशी हैं उनकी उनकी भी अलग अलग यहाँ पर जीवन, आप देखेंगे कि वो भी अलग अलग मौसम में रहना पसंद करते हैं। जब भैंस जो है दलदली इलाके में रह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्वभाव से गर्म होते हैं, तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन जो भेड़ बकरियाँ है वो बरसात को झेल नहीं पाती है, तो उनको फिर पठारी क्षेत्रों में वापस ले जाना पड़ता था। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखें, यही यहाँ पर यही चर्चा की गई है। ठीक है, चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं, मतलब ये जो है अंतर्राज्यीय जो है बहुत सारे राज्यों के बीच ये निवास करते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गाँव वालों को खेत जोतने और वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छी चरागाहों की खोज में रहते। कारण है कि ये देखिए एक तरफ से अब जो अपने जानवर ले जाते हैं उनका उपयोग वहाँ के स्थानीय लोग जो है कृषि कार्य में कर लेते हैं, खेत को जोतने में कर लेते हैं, और ये क्या करते हैं, इनके उनके बदले इनको अनाज प्राप्त हो जाता है खाने के लिए। तो इसकी चर्चा हमने की थी। अब एक बॉक्स देख लेते हैं, हमने बॉक्स यहाँ पर स्किप की थी। अब आप यहाँ पर एक फोटो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ऊँट जो है ये कहाँ रहेगा, तो ये पश्चिम राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते रायका समुदाय के ऊँट। अब रायका समुदाय एक और आप जो है जहाँ बॉक्स बनाए उसमें एक और जोड़ लीजिए, रायका समुदाय कहाँ पर है, तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में निवास करते हैं। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कंटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाकों में चरना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे कंटीली झाड़ियाँ भी बहुत दूर दूर पर उगती है। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे। अब नए शब्द रबी, रबी को जानते हैं, रबी फसल के बारे में आप जानते हैं, रबी खरीफ के बारे में आप, और जायद फसल के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, कृषि जो है चैप्टर अर्थव्यवस्था में जरूर पढ़ा होगा। फिर भी आप यहाँ देख लीजिए, जारो की फसल है जिन्हें कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, खरीफ सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें, ठूंठ पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाला उनका जड़ जिसको ठूंठ कहते हैं, उसकी बात हम यहाँ पर हमने अभी इसको कवर कर लिया। अब क्रियाकलाप में यहाँ पर एक चीज और देखिए, मैंने इसको छोड़ दिया था, स्रोत खा के बाद खा पड़ने वाले, इसमें क्या जानकारी मिलता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अंग्रेज जो भारत में निवास करते हैं अपने सिख दौर के दौरान, उन्होंने वहाँ के चरवाहों पर भी विस्तृत जो है उसका अध्ययन किया है, चरवाहों पर भी अब उनकी नज़र थी, और उनके उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनके निवास के बारे में वो अच्छी तरह लिखते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने एक काम जरूर अच्छा किया है कि
भारत में रहने के दौरान, भारत में प्रवास के दौरान जब तक वे रहे तब तक यहाँ के लोगों की संस्कृति के बारे में, रहन सहन के बारे में, यहाँ तक कि यहाँ के भौगोलिक वातावरण के बारे में भी उन्होंने लिखा था। तो इसी को हम स्रोत के रूप में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरण से हमें चरवाहे सरदारों की जिंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दूध उत्पाद बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुँचाते हैं। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन, ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मालाबार, लंदन, 1807 में इन्होंने इसको उद्धृत किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फिगर देखिए, अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पाला का, ऊँट कहाँ पाला जाता है बताइए, रेगिस्तान का, इसको जहाज क्यों कहा जाता है आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो जरूर कमेंट कर बताइए। ये राजस्थान के जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊँट पालकों को मारू रेगिस्तान इलाका रायका और उनकी बस्ती को ठंडी कहा जाता है। देखिए जो है ऊँट पालकों को मारू कहा जाता है, रायका जो है वहाँ वो समुदाय के लोग है और उनकी बस्ती को ठंडी कहा जाता है और यहाँ पर रुकते ही ऊँट पालन का काम करते हैं। अब देखिए राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम। आप देखें अगर रेगिस्तानी इलाका है इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गाँव में ही रहते थे क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था, क्योंकि बरसात के कारण बहुत सारे जो है घास फूस उगते हैं इसलिए वो वहाँ पर रुक जाएंगे। पर अक्टूबर आते आते चरागाह सूखने लगते थे, नतीजतन ये लोग नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था जो कि कुछ भेड़ बकरियाँ पालते थे, मतलब यहाँ जो है मवेशी जो है अपने हिसाब से पाल रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी, मतलब पूरे प्लानिंग के साथ ही रहते थे। इनको पता होता था कि किस मौसम में हमें कहाँ घास प्राप्त होगी और किस मौसम में हमें कहाँ आश्रय मिल सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्य करते थे। इसी अनुसार ये विचरण भी करते थे। यहाँ एक फिगर देखिए, पश्चिम राजस्थान में बलोतरा स्थित ऊँट मेला। ऊँट मेला की बात की होगी कि इनके पास जब पशु ज़्यादा मात्रा में है तो पशु को बेचेंगे भी, इसलिए ऊँट मेला लगाते हैं और यहाँ पर हो सके अपने ऊँटों के साथ जो है कुछ सामानों को लाद कर वो बेचने भी आते होंगे। ऊँट पालकों यहाँ ऊँटों की खरीद फरोख्त कर जाते थे। मेले में मारू रायका ऊँटों के प्रशिक्षण भी महारत का प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं। कहने का अर्थ है मेला का आर्थिक महत्व है, यहाँ मवेशी का आदान प्रदान भी होता है, हो सके यहाँ पर खरीद बिक्री का काम भी करता है और ऊँटों को प्रशिक्षण भी एक समुदाय दिया करता है। इसकी चर्चा हमने यहाँ पर सुनी, ठीक है, हमने भी यहाँ पर बात इसकी की थी। बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चरगाह मिल सकते हैं। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि ये समुदाय जो है इतनी दूरदर्शी समुदाय है कि इन्हें पता होता है कि किस जगह हमें जो है वहाँ पर पर्याप्त रूप से पानी और भोजन की उपलब्धता हो जाएगी, चरागाह की उपलब्धता होगी और कितने दिन तक होगी उनको प्राप्त होता था, उनको जानकारी होती थी और इसी अनुसार वहाँ पर रुकते थे। फिर जब मौसम जैसे ही चीज होता था ये फिर अपने मूल स्थान की तरफ लौट जाते थे। और इन्होंने एक चीज़ बहुत ही अच्छी इनकी थी कि ये इतना जरूर जानते थे कि पूरी तरह से जंगलों को नष्ट नहीं किया सकता, पूरी तरह से चारागाहों को नहीं चराते थे, उनको छोड़ देते थे ताकि जब वापस आते तब तक फिर वो क्षेत्र हरा भरा मिल जाता था। एक तरह से ये जो है कृषि ये चरागाहों को हरा भरा रखने के लिए इनको ये पता था कि इनको पूरी तरह से हमको नष्ट नहीं करना है, तो इसलिए इसका पूरा ध्यान रखते थे कि हो सके कुछ दिनों बाद जब लौटेंगे 2-3 महीने बाद तो यहाँ पर फिर से चरागाह उपलब्ध रहेगा, इसलिए पूरी तरह से उसको नहीं चराते थे। तो ये बहुत ही अच्छी इनकी योजना थी। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में आने जाने का सही समय चुनना पड़ता था बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। मतलब एक चरवाहा समुदाय जो है, आप देखिए एक चरवाहा समुदाय जो है वो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है। एक तो अपने पशुओं को चरा रहा है, तो पहला आप देखेंगे पशुओं को चराने का काम करता है। दूसरा जिन क्षेत्रों में जाता है उन क्षेत्रों के किसानों से उनका संबंध अच्छा है, मतलब किसानों के साथ वो क्या करेंगे तो उनके कृषि में मदद करेंगे, कृषि कार्य में मदद करने के साथ क्या करेंगे वहाँ पर अपने अपने जो उत्पाद है वो भी उनको बेच पाएंगे। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ ये उत्पाद ही नहीं बेचते हैं और भी ये काम क्या करते हैं, तो इसको आपको देखने के लिए बताना होगा कि ये जो है
उत्पाद तो बेचते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ उनके अनाज जो है, उनके जो भी अनाज है, उस अनाज जो है वहाँ पर वो उन अनाज का सेवन करते हैं, मतलब अनाज उनसे खरीदते हैं, बदले में उनको दूध दही जो भी है, घी इत्यादि जो है उनके साथ बेचते हैं। फिर उन क्षेत्रों में जो है अपने पशुओं को भाड़े पर देते हैं, ताकि कृषि काम किया जा सके। तो ये पशुओं को जो है अपने पशुओं को भाड़े पर लगा देते हैं, और भाड़े में चलाने के बाद उनको कुछ इनकम भी हो जाती है, और इस प्रकार उनकी जीवन शैली आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर के साथ उनका जीवन शैली बीतता है। आइए अब हम अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। तो इस टॉपिक की हम बात अगले अध्याय में करने वाले हैं। अभी हमने पार्ट वन में सिर्फ और सिर्फ तीन चीज हमने पढ़ी। पार्ट वन जो ये वीडियो है, इसमें हमने क्या पढ़ा, तो हमने इसमें पहाड़ी इलाकों में जो भी चरवाहे हैं, एक तो चरवाहों के विभिन्न समुदायों के बारे में बात की, कितने प्रकार के चरवाहे हैं, उनका मूल स्थान कहाँ कहाँ है, किन क्षेत्र में उनका निवास स्थान है, इनके बारे में हमने अभी चर्चा की। कि पहाड़ों में चरवाहों का जीवन कैसा होता है, इनके बारे में हमने चर्चा की। आप फिर पठारों में उनका जीवन कैसा है, किस प्रकार के चौराहा समुदाय पठार में निवास करते हैं, रेगिस्तान में निवास करते हैं, मैदानी इलाकों में निवास करते हैं, उनकी हमने चर्चा की। उनका जीवन क्या है उनकी चर्चा की, किस प्रकार वो किन किन क्रियाकलापों में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं उनकी हमने बात की। उनका जीवन शैली क्या है उनकी बात की, किसानों के साथ या जब भी वो एक जगह दूसरे स्थान घूमते हैं चरागाह की तलाश में, तो उस दौरान वो किन किन लोगों से मिलते हैं, किसानों की किस प्रकार वो मदद करते हैं, किसान लोग किस प्रकार उनका स्वागत करते हैं, किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापें वो कर रहे हैं उनकी उन्होंने बात की। तो यहाँ पर पूरी तरह से चरवाहों के जीवन के बारे में, भारतीय चरवाहों के जीवन के बारे में बात की थी। और आपको बहुत सारे चरवाहों से आपको मैंने परिचय करा, रायका समुदाय के बारे में हमने जाने, गद्दी के बारे में जाने, गुज्जर समुदाय के बारे में जाने, बकरवाल समुदाय के बारे में हमने जाना, इस प्रकार बहुत सारे समुदायों के बारे में हमने जाना। और आपको एक वर्क भी मैंने दिया है कि कौन कौन समुदाय के लोग जो है चरवाहे कहाँ कहाँ निवास करते हैं, किन किन क्षेत्रों में उसका निवास स्थान है, और क्या क्या कौन कौन से पशु है वो पालते हैं, और क्या क्या वो काम करते हैं, पशुओं से किन किन चीज़ों को प्राप्त करके स्थानीय मार्केटों में बेचते हैं, उनका जीवन शैली किस प्रकार का है, उसकी चर्चा आपसे हमने की थी। कि आपको राइट डाउन कर लीजिएगा, हो सके एक प्रश्न के रूप में आपसे जरूर मैं पूछूंगा। तो ये जो है आज का आपके लिए एक सबक रहा। आपके लिए एक मैंने आपको एक वर्क दे दिया है कि आप इनका एक लिस्ट बनाइए, चरवाहे समुदायों का लिस्ट बनाइए, उनके निवास स्थान के बारे में लिस्ट बनाइए, उनके क्रियाकलापों का लिस्ट बनाइए, और जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आप किन किन समुदायों के बारे में क्या क्या जानते हैं और किस प्रकार उसका अध्ययन करेंगे। तो चरवाहा समुदाय का ये तो पार्ट वन वीडियो है, उसमें हमने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। अभी बहुत सारे जो नए बच्चे उनको बता दूँ, चाहे बहुत सारे जो लोग हैं जिनसे आप रेगुलर परिचित होंगे, तो उनको जरूर चैनल गाइड के बारे में बताइएगा। तो उनको किस प्रकार बताना आपको बताता हूँ, आप उनको बताइए कि आपको उनको यूट्यूब पर जाना है, चैनल गाइड टाइप करना है, फिर उसको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। इतना ही नहीं, आप पर्सनलाइज कर लीजिएगा, उनको बोलिएगा कि वो पर्सनलाइज कर दे, ताकि यहाँ जो भी सामग्री पेश की जाएंगी या जो भी हम अप्रोच यहाँ पर लेके चलेंगे, जो भी प्लानिंग लेके चलेंगे, आगे क्या पढ़ाई होने वाला है इसकी चर्चा हम करेंगे, तो नोटिस के जरिए उनको जरूर सूचित कर दी जाएगी, ताकि पहले से प्रिपेयर हो सके और क्लास के माहौल को वो महसूस कर सकें। तो इस प्रकार जो है उनको रूटीन पता होगा, इसके लिए उनको क्या करना होगा, जरूर पर्सनलाइज मोड पर कर लेना होगा, ताकि उनको नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहे। फिर आप उन लोगों और भी जो आपके सहयोगी हैं या दोस्त हैं, या जो एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं, खासकर यूपीएससी और अन्य पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनको चयन का इसके बारे में जरूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन इस कोविड काल में हम ऑनलाइन जो है उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनका बेसिक्स क्लियर अभी एनसीईआरटी के तहत कराया जा रहा है, और बहुत सारी योजनाएं जो है यहाँ पर जारी हो जाएंगी। बहुत सारे योजना हम लोग प्लान वर्क जो है तैयार कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपके सामने बहुत सारे क्लास शेड्यूल के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। माइंड बूस्टर के रूप में एपिसोड लाएंगे, न्यूज इन शॉर्ट के रूप में हम आपके साथ एपिसोड लाएंगे, विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षा जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, सीजीपीएससी, इस प्रकार के बहुत सारे जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, यूपीपीएससी, यूके पीसीएस, इन सभी की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, इनका कोर्स भी यहाँ पर कराया जाएगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी हम यहाँ पर क्लास कराने वाले हैं। तो आप उनको जरूर बताया कि पूरी जो है फुल प्लान के साथ हम चल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आपके सफलता के लिए एक बोले तो सफलता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो आप ये काम जरूर करेंगे, उनको जरूर बताएंगे, खासकर वो बच्चे जो अभी एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए परेशान रहते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, किस प्रकार उसका अध्ययन करे, तो उनको भी मैंने यहाँ एक वीडियो बना के यहाँ पर प्लेलिस्ट में डाला गया है, एनसीईआरटी का अध्ययन कैसे करे, क्यों जरूरी है, उसकी चर्चा हमने की थी। तो आप उसको वीडियो को जरूर उनका लिंक उनको भेज दीजिएगा, और एनसीईआरटी अभी वो क्लास कर सकते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 अभी हम हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो एनसीईआरटी का पूरा प्लान यहाँ पर चलाया जाएगा, इसके साथ ही साथ बीपीएससी का स्पेशल प्लान हम चलाएंगे, यूपीएससी का स्पेशल हम प्लान चलाएंगे, करंट अफेयर्स का प्लान चलाएंगे, तो बहुत सारी जो है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, बहुत सारे जो है
प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, तो तभी आप तक पहुंच पाएंगे जब चैन गाइड के साथ जुड़े रहेंगे, आपका आप उसको सब्सक्राइब कर पाएंगे, इनके साथ आपका जुड़ाव होगा। तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। और इतना ही नहीं, आप विभिन्न सोशल साइट के माध्यम से अन्य अन्य भी लोगों को जरूर इस चैन गाइड टीम के बारे में बताइए, चैन गाइड के बारे में उनको सूचना दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका परस्पर लाभ हो सके और चैन गाइड का जो है परिवार का वो हिस्सा बन सके। तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ और पूरी निष्ठा के साथ आप इसका पालन करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज का जो कार्यक्रम है मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम पार्ट टू सेक्शन में इसके आगे की पढ़ाई करेंगे और बात करेंगे कि आखिर चरवाहों का है ना अपने सिख शासन के द्वारा इनके जीवन शैली में क्या बदलाव आता है, किस प्रकार इनकी जीवन शैली सिकुड़ जाती है, या इनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है अपने सिख जो काल में, इनके लिए क्या क्या नियम बनाए जाते हैं, क्या इनको एक दूसरे से दूसरे का माइग्रेट करने पर प्रतिबंध लगाया जाती है या इन पर कर लगा दिया जाता है। इस प्रकार की हम बात करने वाले हैं अगले अध्याय में। तो आप जो हैं अगले वीडियो को देखने के लिए आप इसके साथ जुड़े रहिए। और आप अभी जो हमने आपको पढ़ाया, जो बच्चे जो नए हैं उनको बता दूं कि आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है, पिछले क्लास को नहीं दिया देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैन करके एनसीईआरटी सेशन में जाकर उनको आप देख पाएंगे। आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी निष्ठा के साथ पढ़ा रहे हैं। और बस आप पंक्चुअलिटी के साथ हमारा साथ दीजिए, आप जरूर सफल होंगे, ऐसी कामना है। और ऐसे पूरी तरह से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सफलता के शिखर पर जरूर पहुँचेंगे, और इसके लिए मैं आपको अग्रिम ही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये काम आप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो है आज का जो प्रोग्राम है यहीं पर मैं सब करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।